हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार साथियों, और एक बार फिर आज इस हायर एजुकेशन वर्चुअल कॉन्क्लेव में मैं उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट स्पीकर के साथ। एंड वी आर रेगुलरली, एज यू नो दैट, हम लोग लगातार एजुकेशन लीडर्स को इनवाइट करते आ रहे हैं और इस प्रोग्राम में एंड हायर एजुकेशन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, अलग अलग हाय गुड टॉपिक्स पे इवनिंग बात हो एवरीवन। रही हैं। अच्छा और साथियों, और हाय गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार जो हमारा मेन साथियों, फोकस, और एक बार फिर जो हमारा मेन फोकस है वो है एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह की बातें करना, स्पेशली जो हायर एजुकेशन में चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो बदलते हुए दौर की बात कर लें या फिर करंट सिनारियों की बात कर लें या फिर आने वाले दिनों की बात कर लें। डिंकी, हाय गुड इवनिंग। तेजस्विनी, गुड इवनिंग। मानसी, गुड इवनिंग। संजीव, गुड इवनिंग। पूर्णिमा, गुड इवनिंग। अभिषेक कुमार, हाय गुड इवनिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एंड आज के जो हमारे बीच में जो शख्सियत आने वाले हैं, प्रोफेसर फुरकान कमर। फुरकान सर की अगर मैं बात करूं तो हायर एजुकेशन में वन ऑफ द मोस्ट लर्नड पर्सन्स में से एक हैं, अगर हायर एजुकेशन की बात करें आज। और देश की काफी बड़ी बड़ी संस्थाओं में बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। हायर एजुकेशन में अगर मैं बात करूं तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, AIU, के पूर्व जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं सर। अगर आपको याद होगा कि हमने एक प्रोग्राम किया था जहां पर पंकज मैम आई हुई थी, डॉक्टर मिसेस पंकज मित्तल, जो भी करंट जनरल सेक्रेटरी हैं, तो पंकज मैम से पहले प्रोफेसर फुरकान कमर रह चुके हैं उस संस्था के जनरल सेक्रेटरी, और इससे पहले 2 बार वाइस चांसलर रह चुके हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल, और करंटली जामिया मिलिया इस्लामिया में मैनेजमेंट देख रहे हैं यहाँ पे। या हाय गुड इवनिंग एवरीवन, सुदीप्ति जी नमस्कार, विजय पाटिल गुड इवनिंग, दीपांशु गुड इवनिंग, रिया अरोरा हाय गुड इवनिंग। तो साथियों, एक बार जरूर ये बताएं कि अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स आपने देखे हैं पिछले, यानी मंडे से लगातार हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं, और आज इस कार्यक्रम का, इन पूरे कार्यक्रम में से आपको अगर मैं बात करूं तो आपको लर्निंग कैसी रही, क्या आपको आपके यू नो ये प्रोग्राम कैसे आपको लग रहे हैं? अगर आप चाहे तो सजेशन दे सकते हैं, अगर आपको लगता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप हमसे चाहते हैं कि हम लोग बात करें उस पे, यू कैन जस्ट यू नो शेयर विद अस, हम लोग उस पे बात कर सकते हैं। तो एक बार जरूर बताएं कि आपको इस कार्यक्रम से लर्निंग मिल रही है, क्या सीखने को मिल रहा है, कोई कार्यक्रम जो आपको बेहद पसंद आया हो, जिसके बारे में कुछ आप शेयर करना चाहते हो, यू कैन वेरी मच शेयर विद अस, और वी वुड लव टू नो कि आपकी लर्निंग कैसी जा रही है। थैंक यू सो मच दीपांशु। हाँ सर, आपकी स्क्रीन दिख रही है बट आई कांट सी यू वेरी मच। आप एक बार रिफ्रेश करेंगे अपने सिस्टम को, एक बार अपने सिस्टम को फिर से रिफ्रेश करें प्लीज। जी गाइस, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ रहा है एक, मैं सर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद सर एंड वी जस्ट टेस्टेड, बट इंटरनेट तो इंटरनेट है। एंड आराधना हाय गुड इवनिंग, सपना गुड इवनिंग, सृष्टि गुड इवनिंग। यस सो सर हमारे साथ आ चुके हैं, साथ में बस कुछ ही मोमेंट में मैं उनको स्क्रीन पे लेके आने जा रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि हायर एजुकेशन के वन ऑफ दी मोस्ट लर्नड पर्सन आज की डेट में अगर मैं बात करूं,
क्योंकि मैं लगातार अलग अलग जिन लोगों से बात कभी करी है जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए, और सर का जब भी नाम आया है बड़े रिस्पेक्ट के साथ सर का नाम लिया जाता है। और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि इंडियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के पूर्व जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं सर। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल के वाइस चांसलर रह चुके हैं। और अगर आज इनको देख लें तो सर अपनी सेवाएं दे रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, और इतना एक्सपीरियंस है कि जितनी हमारी उम्र भी नहीं है, तो आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। या हाय, थैंक यू नितेश, एवरी सेशन कंडक्टेड बाय स्किलिंग यू, इट वाज सो इन्फॉर्मेशन अमेजिंग, थैंक यू सो मच। सो इतना कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है कि आप चाहे तो दिल खोल के हायर एजुकेशन में बात कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो, जो आपको जहां पर आपको लगता है ना, यू कैन जस्ट आस्क। सो बिना वक्त गवाए मैं सर को स्क्रीन पे लेके आने जा रहा हूं और आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। एंड सर नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए और यहाँ पे होने के लिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, दिस इज सो अमेजिंग एंड आई एम फीलिंग ऑनर्ड टू हैव यू हियर, एंड दिस इज द सेकंड टाइम दैट यू एक्सेप्टेड माय रिक्वेस्ट। फर्स्ट टाइम आई इनवाइटेड यू इन टीटीसी द ट्रेनर्स कैंप, द अदर एसोसिएशन दैट वी रन, एंड टुडे विद स्किलिंग यू एंड दिस इनिशिएटिव इज ऑब्वियसली यू नो हैविंग यू हियर इज समथिंग दैट we are going to add a lot of value to the initiative and this conclave that we are saying, the higher education virtual conclave. No, you are doing wonderful job, and any way that I can be of any help to you in this remarkable initiative, it is always a pleasure, and I'm so happy and delighted to be with you. Thank you, all. Thank you so much, sir. Thank you so much. आपके आवाज थोड़ी सी slow आ रही है सर, मुझे लग रहा है कि वो जो हम लोग जिस पे बात कर रहे थे issue पे। अच्छा, अब कुछ आवाज बेहतर हुई? बेहतर है सर। अच्छा, जी, तो इसका मतलब मुझे अपना ये सो ढेरों साथी जुड़ गए हमारे साथ, स्टूडेंट्स। गाइस, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर दिस स्ट्रीम टू द मैक्सिमम पीपल, सो दैट यू नो मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सकें। यू कैन इनवाइट योर पीपल, यू कैन टैग देम, यू कैन जस्ट क्रिएट द वॉच पार्टी, एंड डोंट फॉरगेट द वॉच पार्टी, बिकॉज वॉच पार्टी से फायदा ये होता है कि काफी लोग यू नो इस पूरे स्ट्रीम से जुड़ जाते हैं और उनके डायरेक्ट कमेंट्स भी हमारे पास आ जाते हैं, जिससे कि अगर वहां पे कुछ कमेंट कर रहे हैं तो वो हमें दिख जाता है, सो दैट कि हम उनके प्रोग्राम को भी यहाँ पे ले सकें, उनके कुछ सवालों को ले सकें। सो सर शुरुआत करते हैं हम लोग, बट मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, एंड ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं भी गाजीपुर से आता हूँ और जर्नी के बार शेयर करें सर। आई एम श्योर हर स्टोरी में कोई ना कोई ऐसी इंस्पिरेशन होती है, क्योंकि ढेरों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई एम श्योर वहां पर कोई ना कोई ऐसी स्टोरी जरूर होगी कि जो उनको इंस्पायर करे आगे बढ़ने के लिए। प्रवीण, आपने एक इंट्रोडक्शन तो करा दिया कि मैं रहने वाला गाजीपुर का हूँ और मैं भी जो हूँ एक गांव से निकला हुआ एक आदमी हूँ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव के प्राथमिक पाठशाला से हुई, जिसको के लोग टाट पट्टी वाला स्कूल कहते हैं। वो पटरी वाला सर, लकड़ियों का पटरी वाला? जी, लकड़ी की तख्ती और पटरी और टाट और पट्टी। और कई दफा तो बच्चे जो हैं घर से जो है अपनी पट्टी ले जाते थे उस पर बैठने के लिए। तो खैर, पांचवीं तक मैंने वहाँ पढ़ा, उसके बाद मैं लखनऊ आ गया और आगे की मेरी पूरी शिक्षा लखनऊ में हुई। और मैं एक बात बड़े गर्व से कहता हूँ कि मेरी जो पूरी शिक्षा हुई वो सब जो है वो सरकारी संस्थाओं में हुई या सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाओं में हुई। और वहाँ से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद फिर एक के बाद एक रास्ते खुलते गए, और जैसा कि बताया कि न सिर्फ ये कि एकेडमिक्स में रहे बल्कि दो यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर रहे और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के सेक्रेटरी जनरल रहे, प्लानिंग कमीशन में एडवाइज़र रहे। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि अधिकतर लोग जो आज इस समय किसी भी पोजीशन पर हैं वो इस पोजीशन पर इसलिए पहुँच पाए कि हमारे राष्ट्र ने, हमारे देश ने और उस समय के सरकारों ने कुछ ऐसे काम किए कि लोगों को शिक्षा जो है सर्वसुलभ हो, आसानी के साथ उपलब्ध हो। और चूंकि उस जमाने में शिक्षा महंगी नहीं थी तो लोग पढ़ते चले गए और आगे बढ़ते चले गए।
दूसरा ये बताने का उद्देश्य एक ये भी है कि सुविधाओं का के अभाव को हम बहाना नहीं बना सकते, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं और आदमी कामयाब हो जाए ऐसा भी नहीं होता, वरना सारे अमीर और धनाढ्य लोग और अमीर से अमीर होते चले जाते। बहुत सारे लोग निकलते हैं जो कि सुविधाओं के अभाव में भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ करके जिंदगी में नाम रोशन करते हैं। तो जो आज की जनरेशन है, और चूंकि ज़्यादातर लोग इसमें स्टूडेंट्स हैं जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि कठिन स्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में धैर्य कभी भी मत छोड़ें, साहस बनाए रखें, मेहनत करते रहें, परिश्रम करते रहें और आगे के रास्ते खोलेंगे। उर्दू में शेर है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जब इंसान अपनी हिम्मत करता है तो खुदा की मदद भी उसमें शामिल होती चली जाती। ये उर्दू नहीं है बल्कि पर्शियन का था। तो ये है कहानी कि एक गांव से निकल करके और यहाँ तक पहुँचे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह की यात्रा करके आगे बढ़े हैं। बहुत बहुत खूब सर। और उस टाइम तो टाट मुझे लग रहा है कि सरकारी स्कूलों को अगर मैं जब देखता हूँ तो घर से ही बोरियां लेके जानी पड़ती थी, खुद की व्यवस्था करनी पड़ती थी, बोरियां लेके जाते थे और जो दुधिया होती थी उसको घोल कर लिखने की व्यवस्था थी उन दिनों लकड़ी के पटरी पे, और मुझे याद है कि रस्सी भिगो के लोग लाइनें खींचते थे और उसपे लिखने का जो रिवाज था। और हालांकि मैं नहीं पढ़ा था, मैं बगल में एक दूसरा स्कूल था बट हाँ उसमें मैंने पढ़ाई करी थी, बट हाँ उन जो आसपास के जो भाई बहन थे जो उस पढ़ते थे तो उन लोगों को हमेशा हमने देखा हुआ है कि उस जमाने में वो जब पटरियां लेके साथ लेके जाते थे और उसको खूब चमकाते थे वो लोग शीशी में भर के, उसको जब उसको रगड़ रगड़ के खूब चमकाया जाता था। वो तो बिल्कुल ही वो, हालांकि आम लकड़ी की एक पटरी होती थी, उसको हिंदी में पटरी और उर्दू में तख्ती कहते थे। अच्छा। और उस पे जो है वो तवे की, चूल्हे पे जब रोटी पक जाती थी तो उस तवे पर जो स्याही होती थी उस स्याही को इकट्ठा किया जाता था और उस पटरी पर या तख्ती पर वो स्याही लगाई जाती थी, और उसको सुखाने के बाद उसको जो है किसी कांच के टुकड़े से रगड़ रगड़ करके उसको चमकाते थे, फिर दूधिया से लकीर खींचते थे और उसके ऊपर फिर रोशनाई का काम वो करता था और उसी से लकीर खींचते थे। बाद में जो है और डेवलपमेंट हुए, स्लेट आ गई, फिर कापियां आ गई और फिर पेंसिल और कलम, उन दिनों जो है वो प्रोहिबिटेड था, या तो सरकंडे के कलम से लिखा जाए, तख्ती पे तो सरकंडे के ही कलम से लिखते थे, और बाद में जब कापियां आ गई थी, कापियां जा करके मिलती थी पांचवी क्लास के आसपास, मुझे तो मिली है जब मैं छठी क्लास में, जब तो पांचवी तक उस टाइम वो तख्ती ही चलती थी सर, तख्ती ही चलती थी। वाह। तो ये था। तो अब आजकल के बच्चे जो है वो उससे आगे बढ़ गए हैं, अब तो डे वन से जो है वो कॉपी और पेंसिल होती है। सर ये तो बिल्कुल कमाल की बात है कि तख्ती से और टैप तक उसके बीच में बहुत कुछ ब्लैक एंड व्हाइट रहा और यहाँ तक पहुंचे। मतलब सर आप तो वो जनरेशन है कि मतलब जिसने दुधिया भी घोला हुआ है, रस्सी भिगो के उस पर लाइने भी खींची हुई है, और अब आप जिस सिस्टम से लाइव है उसको मैक बोला जाता है, तो मतलब टेक्नोलॉजी के हाईटेक सिस्टम पे है। बहुत कुछ है सर शेयर करने के लिए यहाँ पे तो मुझे लगा। इस बीच में और भी चीजें आई, मतलब ये कि तख्ती के बाद स्लेट आ गया था जी, तो वो स्लेट जो है वो आसान हो गया था। उसके बाद स्लेट और टैप के बीच में एक चीज और थी, पता नहीं आपने भी शायद देखी होगी कि वो एक कागज का और दफ्ती का बना हुआ एक चीज होता था, उसके ऊपर एक चिपचिपा सा कोई पदार्थ होता था और उसके ऊपर एक पॉलिथीन होती थी, तो उस पर लिखते थे और उसको अगर दूसरी तरफ खिसका दें तो वो खत्म हो जाता था। Right. उसका नाम याद नहीं, तो वो भी एक तरह का टैप था जो उस जमाने में खास करके मैथमेटिक्स के सवाल हल करने के लिए बड़ी आसानी हो जाती थी। Right. स्लेट में भी, और बाद में जो ये जो एक स्लेट आ गई थी आर्टिफिशियल, और उसके बाद मैथ के लिए मोस्टली स्लेट का इस्तेमाल लोग करते थे, तुरंत लगाते थे, मिटाते थे, लगाते थे, मिटाते थे। सही सही एग्जैक्टली।
वो थोड़ा तख्ती पे मुश्किल हो जाता था, क्योंकि तख्ती पे तो वो गीली दूधिया से लिखा जाता था, तो वो संभव नहीं था। तो ये स्लेट का इस्तेमाल जो है वो मैथमेटिक्स के सवाल करने के लिए, और कई बार तो फिर ये भी होता था कि जमीन में लोग बैठ जाते थे, हाथ से जो है वो मिट्टी को सपाट किया और उसी के ऊपर उंगली से या किसी लकड़ी से कुछ जो है वो लिखना और मैथमेटिक्स के सवाल सॉल्व करना शुरू हो, कई बार ये भी होता था। तो सर तो ये ढिबरी वाला वक्त था सर, लालटेन और ढिबरी लैंप वाला। हाँ, उस जमाने में ये लालटेन और डिबरी वाला वक्त था, लैंप का वाला वक्त था, कई लोगों को तो वो लालटेन और लैंप मैं यहाँ पे जितने भी भी लोग जुड़े हैं उनको बता दूं कि ढिबरी जो मैंने बोला है वो क्या है। आई बिलीव कितने लोग जानते, मुझे नहीं पता, फिर जस्ट जानते तो अगर आप कमेंट में बता सकते हैं। साथियों, ढिबरी क्या होती थी कि जो बोतलें खाली हो जाती थी, किसी भी तरीके की बोतलें, उनके ढक्कन में छेद करके एक कपड़ा लटका दिया जाता था और केरोसिन आती थी, केरोसिन ऑयल जिसको हम लोग मिट्टी का तेल बोलते थे, उसमें भर के उसको जला के पढ़ने का काम होता था, डिबरी बोलते थे उसको उन दिनों में। तो लालटेन आई, लालटेन से अपग्रेड होकर लैंप आया और फिर इलेक्ट्रिसिटी का मामला तो सब हम सभी तक देख ही रहे हैं। सो वो डिबरी का वक्त था। और इनफैक्ट मैं बता दूं, डिबरी में मैंने भी पढ़ाई करी हुई है, लालटेन में पढ़ाई करी है मैंने, और लैम्प घर नहीं हो पाया था। लैम्प थोड़ा सा लग्जरी था, तो घर में इतनी लग्जरी नहीं हो चल पाई थी। लालटेन वो समथिंग जो हमारे घर में होती थी। ये लालटेन तो अंग्रेजों के आने के बाद आया, ये अंग्रेजी शब्द है लैंटर्न, तो लैंटर्न जब इंडिया में आया तो फिर और आमतौर पर बहुत ही प्रचलित हो गया, गांव गांव तक पहुंच गया जी, उसके जी। बाद से फिर उसका हिंदी जो है वो लालटेन बन गया और अभी भी वो लालटेन के नाम से जानी जाती है। और तो वो एंटीक पीसेस में काउंट की जाने लगी है। तो ये कहानी है और मेरा ख्याल आज भी बहुत सारे लोग उसी परिस्थिति में हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी मेहनत आगे उनको बढ़ने में सहारा देगी। I'm happy to know that the current generation is accepting the fact that yes, they know Lalten or Dibri. काफी लोग कह रहे हैं यहाँ पे, राज मौर्य, आई नो डिबरी एंड नहीं, अभी भी गांवों में, अभी भी गांवों में खासकर अगर ईस्टर्न यूपी और बिहार वगैरह में जाएं तो भाई अभी भी 24/7 तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो अभी भी बिजली जो है वो कई बार ऐसा होता है कि रात में नहीं आती है, तो लोग अभी भी लालटेन का सहारा लेते हैं। तो इट इज़ समथिंग विच इज स्टिल एग्जिस्ट एंड विच पीपल यूज एंड विच इज केप्ट देयर। तो ये तीनों ही चीज़ें, लैम्प, लालटेन और डिबरी या चिराग जिसको आप कह रहे हैं मुझे मिली है जो कि आज प्रकाश कमल सर का समय मिला। एंड ट्रस्ट मी, मुझे मुझे लग रहा है कि जिस टॉपिक पे जुड़े उसको छोड़ के इसी टॉपिक पे बात कर लें, अपने आप में इतना नॉस्टैल्जिक है पुराने दौर में जाना। और क्योंकि मुझे जब लालटेन की बात याद आती है सर, तो मुझे शाम का वो वक्त याद नहीं आता है कि मैं और मेरे भाई दोनों ही इस बात से बचने की कोशिश करते थे कि शीशा साफ कौन करेगा, कौन करेगा सही, क्योंकि शीशा साफ करता हाथ अक्सर कट जाता था, वो उसकी जो खरोचे लग जाती थी, और मैं कोशिश करता था कि ना करूं, हालांकि पिटाई मेरी हो जाती थी उसके चक्कर में, बट ये बड़ा टास्क था कि शीशा कौन साफ करेगा, और वो टूट भी जाता था कई बार, जब साफ करते करते तो पिटाई होती थी वो दैट इज सो अमेजिंग गोइंग बैक इन द मेमोरी लेन। एंड लाइक आज आज देखते हैं जब चीजों को तो सर काफी कितना आसान हो गया, जिंदगी कितनी आसान हो गई है। मुझे याद है कि हमारे बचपन में हमारे एक रिश्तेदार थे, उनकी शादी हुई और शहर में शादी हुई, तो उनकी बीवी शहर से आई थी, तो वहां पर वो बिजली और इलेक्ट्रिसिटी की आदी थी, तो उनको लालटेन जलानी और लालटेन का शीशा साफ करना नहीं आता था। तो गाँव में बहुत दिन तक इसका चर्चा होता रहा कि ऐसी लड़की से शादी हुई है जिसको कि चिराग जलाना तक नहीं आता, जिसको लालटेन जलानी नहीं आती है, ये तो बड़ी इग्नोरेंट है। तो खैर वो उस जमाने की अपनी एक ट्रेनिंग थी, मेरा ख्याल वो भी बचपन से वो ट्रेनिंग दी जाती थी लड़कों और लड़कियों को कि लालटेन कैसे जलाई जाए और लालटेन को कैसे धीमा और कैसे तेज किया जाए, और लालटेन का शीशा जो है जलाने से पहले रोज कैसे साफ किया जाए, और उसका पानी और तेल जो है कैसे चेक किया जाए।
ये सब जो है वो एक रिगमरोल था, उस जमाने की इंजीनियरिंग थी। जमाने की इंजीनियरिंग थी। और कभी कभी डर लगता है, हमने अपने बचपन में थोड़ा सा और बड़े होने के बाद ये देखा कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए राशन की दुकानों पर लाइन लगती थी। मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल उसमें से एक था, शक्कर थी, गेहूं, चीनी, चावल, इन सब के लिए जो है वो लाइन लगती थी। राइट हमारे यहाँ दो चीज़ों के लिए, मिट्टी के तेल और चीनी के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। ये मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ। और वो चीज़ें प्राप्त करने के लिए वो लाइन जो है वो कई कई दिन तक लगनी पड़ती थी। यानी आज लाइन लगे और नंबर नहीं आया, और फिर वहाँ पर कोई ईंटा या बोरा या कोई पत्थर रख करके लोग अपने घर चले गए। आज कोरोना के बाद से रिजर्वेशन वहीं से शुरू हुआ रिजर्वेशन था। वहीं से शुरू हुआ। और आज इस कोरोना की एक ऐसी आफत आई है कि उसके बाद कई जगहों पर मैंने देखा, मैं अभी घर अपने फ़ोन कर रहा था, वहाँ जो कज़िन वगैरह हैं वो बता रहे थे कि वहाँ भी दोबारा राशन की दुकानों पर अनाज लेने के लिए फिर लोगों की भीड़ लगने लगी। बम्बई जी की खबरें हमने देखी हैं जिसमें कि वो लोग जो कि राशन कार्ड से की व्यवस्था से बाहर खो गए थे, उनको लगता था कि वो उस कैटेगरी से ऊपर उठ गए हैं, राइट दोबारा फिर उसी कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं। तो ऊपर वाले से डर भी लगता है और दुआ भी करती रहनी चाहिए कि हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है वो अच्छी बनी रहे और ख़राब ना हो, ताकि लोगों को वो बुरे दिन जो कि 60, 62, 65, 70 तक जो देखे थे वो दोबारा न देखने पड़े। तो ये है। परफेक्ट परफेक्ट सर। सो खैर दिस इज सो अमेजिंग टू नो सर कि वहां से निकल के बाद फिर यू नो हायर एजुकेशन में जाना, फिर वाइस चांसलर जैसे उच्चतम पदों पे रहना, फिर यूनिवर्सिटी एसोसिएशन में जाना, फिर से मैनेजमेंट यहाँ पे जामिया में। आई मीन दिस इज सो अमेजिंग। सर बात करते हैं आज के करंट सिनारियो की। हालांकि ऐसी मेमोरी लेन में ऐसी बातें कि मेरे पास इतनी बातें शेयर करने के लिए, मुझे लग रहा है कि मैं उसी में सवाल निकाल के पूछता रहूंगा और आपसे उस पे आपकी राय लेता रहूंगा। तो शुरू करते हैं सर, सिंस स्टूडेंट ज्यादा जुड़े हैं हमारे बीच में, हायर एजुकेशन को लेके सर अभी अगर मैं बात करूं कोरोना के दिनों में, सिंस अब जैसे बीच में एक दो बार हमारी आपसे बात हुई तो आप कह रहे थे कि यस आप क्लासेस चल रही हैं आप लोगों के जामिया में, ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट होनी शुरू हो गई हैं। सबसे बड़ा चेंज क्या देख रहे हैं सर यहाँ पे हायर एजुकेशन में अगर मैं बात करूं, और वो चेंज जो आने वाले यू नो चेंज को लेके आ रहा है। अभी तो जो करंट है वो तो हम देख रहे हैं कि चलो इमीडिएटली वी हैव मूव टू प्लेटफॉर्म्स लाइक जूम, वेबेक्स एंड ऑल, बट क्या ये बहुत बड़े चेंज की शुरुआत है यहाँ से, और वो चेंज है तो किस तरह का चेंज है? देखिए प्रवीण, ऐसा है कि जो ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, और जो लोग ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह में हैं, उनका तो यही मानना है कि ये कोरोना ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी है कि जो टेक्नोलॉजी और जो ईज़ ऑफ एक्सेस वगैरह हम लोगों को थी, जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे थे, हमारा कुछ माइंड सेट था, उसको उसने तोड़ दिया। और बड़ी तेज़ी के साथ हम लोग, क्योंकि कोरोना के बाद जो है, यानी अप्रैल के पहले हफ्ते से अपने देश में लगभग सारे संस्थाएं एकदम से जो है किसी अल्टरनेटिव मोड ऑफ एजुकेशन पर शिफ्ट हो गए। चाहे वो व्हाट्सएप से मटेरियल भेजना हो, चाहे यूट्यूब के लेक्चर भेजने, या गूगल क्लासरूम, या माइक्रोसॉफ्ट टीम, या जूम, इस मीडियम पर आ गए। और अब बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि भाई जो फ्यूचर होगा वो भी इसी तरीके का होगा कि इसी मोड पे पढ़ाई होगी। जी मैं भी कुछ दिन पहले एक यूनिवर्सिटी में टीचिंग स्टाफ का इंटरव्यू था, तो वो इंटरव्यू भी जो है वो गूगल मीट पर ऑनलाइन हुआ। पांचों एक्सपर्ट अपने अपने जगह पर बैठे हुए, और वाइस चांसलर अपनी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए, कैंडिडेट अपने घर पे बैठे हुए, और इंटरव्यू हुआ। और उसमें बात ही बात है, मालूम हुआ कि हर इंटरव्यू में बहुत सारा पैसा यूनिवर्सिटी का बच रहा है, क्योंकि इतने लोग, 5-6 लोग ट्रैवल करते, होटल में रुकते, राइट यूनिवर्सिटी उनके खाने पीने चाय का बंदोबस्त करती,
तो ये सब बच गया, तो 3 से 5 लाख रुपए पर इंटरव्यू बच गया। तो लगता ये है कि चीज़ें नॉर्मल हो जाने के बाद भी मीटिंग्स और इंटरव्यूज और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन हुआ करेंगे। तो एक तरफ तो ये है, बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद है, और इस बीच में आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी कंपनीज का रेवेन्यू और प्रॉफिट और टर्नओवर ये सब पिछले 2-3 महीनों में अच्छा खासा बढ़ गया। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाएं जी, तो कई अवसर ऐसे आए हैं जबकि लोगों को लगा है कि अब जो है शैक्षिक संस्थाएं और टीचर जो हैं उनका महत्व खत्म हो गया। जैसे जब प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुआ जी, तब लोगों ने कहा कि भाई अब पहले जो ज्ञान गुरु के दिल और दिमाग में हुआ करता था, केवल पंडित जी के सीने में हुआ करता था, अब वो ज्ञान निकल करके छप करके आ गया है, अब जिसको पढ़ना आता है उसको ये ज्ञान मिल जाएगा, तो गुरु का महत्व खत्म हो जाएगा। लेकिन हम सब लोगों को मालूम है कि प्रिंटिंग आ जाने के बाद टेक्स्ट बुक और टीचर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। यही चीज़ ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी के साथ हुई कि जब रेडियो आया तो ये हुआ कि भाई टीचर क्या करता है, नॉलेज को ब्रॉडकास्ट करता है, अभी क्लास में जा कर के 50-60 स्टूडेंट को पढ़ाता है, अब ये 50-60 हज़ार लोगों को रेडियो पढ़ा देगा। लेकिन हमें मालूम है कि टीचर उसके बाद भी वो रहा। ये जो इस तरह की परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति के बारे में मैं अभी पढ़ रहा था जी, कि जो 14th से 17th century तक इंग्लैंड में हर साल जी प्लेग की बीमारी आती थी, और जब प्लेग फैलता था तो लोग अपनी यूनिवर्सिटियां अपने कॉलेज छोड़ करके गांव में चले जाते थे, और गांव में जो वहां के जमींदारों के जो घर थे वहां जा कर के रहते थे, जिसको कि कंट्री साइड मैनर हाउस कहते थे। तो उस कंट्री साइड मैनर हाउस जो है वो टाउन के ज़माने में, प्लेग के ज़माने में, ब्लैक डेथ के ज़माने में स्कॉलर इन रेजिडेंस बन जाता था। Right. तो उस समय बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि अब जो है यही जो है वो यूनिवर्सिटियों का रूप ले लेंगे, लेकिन जैसे ही जो है ये वबा ख़त्म हुई यूनिवर्सिटियां दोबारा अपनी जगह पर पहुंच गई, जैसी थी वैसी पहुंच गई। तो अब वो मैं अभी डेटा देख रहा था कि जो अब 100 साल पहले जो फ्लू आया, जिसको कि लोग स्पेनिश फ्लू कहते हैं, हालांकि स्पेनिश फ्लू वो नाम गलत है क्योंकि वो स्पेन से शुरू नहीं हुआ था जी। वो शुरू तो हुआ या तो अमेरिका में या यूरोप में, लेकिन उन दिनों वो World War I चल रही थी और सारे कंट्री जो हैं वो वॉर के ज़माने में अपनी इंफॉर्मेशन छुपाते हैं, तो उसकी डेथ को सेंसर कर दिया गया, छुपाया नहीं। स्पेन जो है वो न्यूट्रल कंट्री था, तो स्पेन में जब इस तरह की बीमारी पहली आई तो उन्होंने बताया, तो वहाँ से उसका नाम स्पेनिश फ्लू हो गया। स्पेनिश फ्लू के बारे में ये कहते हैं कि 5 करोड़ से 10 करोड़ लोग उस बीमारी से पूरी दुनिया में मर गए थे। और अगर भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में बॉम्बे में आकर के एक जहाज़ रुका और उस जहाज से पहले 7 सिपाही जो है वो स्पेनिश फ्लू से जो है पीड़ित हुए, और उसके बाद वो पूरे हिंदुस्तान में फैला। और इंडिया के बारे में भी ये है कि साहब बहुत बड़ी तादाद में लोगों की डेथ हुई है, एक एस्टिमेट के हिसाब से तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोग उस समय इंडिया में मर गए थे, जो उस समय की पॉपुलेशन का तकरीबन 6% था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने यह लिखा कि साहब गंगा नदी में पानी नहीं दिखाई देता था, केवल लाशें दिखाई देती थी। तो इतने बुरे हाल थे स्पेनिश फ्लू के। लेकिन अगर आप 1921 का सेंसस उठा के देखें तो 1921 से पहले 1911 का सेंसस हुआ था, तो 1911 के मुकाबले में 1921 में यूनिवर्सिटियों की संख्या भारतवर्ष में बढ़ गई थी, कॉलेजेस की संख्या बढ़ गई थी, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई थी, टीचरों की संख्या बढ़ गई थी। तो मेरा ये मानना है कि ये एक अल्टरनेटिव है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी। हो सकता है कि हालात नॉर्मल होने के बाद किसी हद तक इनको इस्तेमाल करें, लेकिन मैं ये अभी मानने को तैयार नहीं हूँ कि अब यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो कंप्यूटर और आईटी प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन के मीडियम तक सिमट करके रह जाएंगी, और वो दोबारा जैसे ही हालात अच्छे होंगे
यूनिवर्सिटियाँ वैसे ही आ जाएंगी। यहाँ पर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, इनसे सवाल आप ये पूछिए कि इनका क्या दिल चाह रहा है अभी के कैंपस खुल जाए और वो दोबारा कैंपस में पहुँच जाएँ। हालांकि कैंपस में पहुंचना इनके लिए कठिन होता है भाई, सुबह उठना, नहा धो के तैयार होना, बस से या ट्रेन से जो है अपने कैंपस को पहुंचना, फिर क्लासरूम ज़रूरी नहीं है कि बड़े कंफर्टेबल हो, वो गर्मी सख्ती सब झेलना, उसके मुकाबले में ऑनलाइन में तो बड़ा अच्छा है, बिस्तर पे बैठे हुए हैं, क्लास हो रही है। So let's have answer from them. So guys, do let us know what you want. Back to campus or you are enjoying the show? जो करेंटली चल रहा है अभी, यू नो, डिजिटल लर्निंग एंड ऑल, सो व्हाट 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 इज योर टेक? तो सर, इनफैक्ट मैं ये पूछने वाला भी था, और चूंकि आपने इस मैं जाहिर कर दिया वो चीज, यस, पूनम बोर से, वी वांट टू गो टू कैंपस, दोबारा से कैंपस पहुंचेंगे सर, सबसे बेस्ट होता है, ओके, पहुंचना है। राज मौर्य इज सेइंग, यस सर, अब बहुत हो गया घर पर, टीचर चेंज नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरा असेसमेंट ये है कि मेरी जब भी स्टूडेंट से बातचीत हुई है, जब मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता था, तो हर क्लास के एंड में मुझे ये फीडबैक मिलता था कि सर इट वॉज फाइन, ओके, गुड, वेरी गुड, थैंक यू, but we miss our classroom, we would want to come back to our classroom very soon. तो मेरा ख्याल यही फीडबैक जो है अब तक जो 15-16 कमेंट आए हैं यहाँ, बल्कि उससे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि सब में जो है वो लोग ये चाहते हैं। एक दो ऐसे भी आए हैं कि दे आर हैप्पी विद द करंट सिचुएशन, लेकिन बाकी जो है सभी but वो उनकी तादाद कम है सर, बहुत कम है फिलहाल। तो दे वॉन्ट टू गो बैक टू कैंपस, इसका मतलब ये हुआ कि अब वो देखिए, प्रोफेसर यशपाल ने एक बार कहा था जब वो उस कमेटी के चेयरमैन थे, आपकी आवाज बीच में थोड़ी सी कम हो जा रही है सर, कहीं अच्छा, कभी अब आवाज साफ आ रही है? मैं जी 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 बिल्कुल। प्रोफेसर यशपाल जब वो कमेटी फॉर रिवाइवल एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन थे, तो उस समय मेरी उनसे मुलाकात बहुत हुई, तो एक मुलाकात में उन्होंने कहा कि भाई यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन एक तरह का टच स्पोर्ट्स है, कि जब तक के मतलब जब कबड्डी खेलना है तो कबड्डी आप या बास्केटबॉल या फुटबॉल जो है आप कंप्यूटर पे खेल लें, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जब फील्ड में, जब तक कि आप खुद उतर करके नहीं करें, तो एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए हम लोग जो सीखते हैं, वो अपॉर्चुनिटी किसी दूसरे मीडियम में अवेलेबल नहीं है। ये हम लोगों को, तो मेरा ये मानना है कि जैसे ही ये हालात अच्छे होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हालात ये अच्छे होंगे, कितनी कितना समय लगेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जल्द अज जल्द हालात अच्छे होने चाहिए, और जैसे ही ये हालात अच्छे होंगे, यूनिवर्सिटीज शैल बी बैक टू देयर ओल्ड वेज। सो यू कह सर कि ये जो एलिमेंट्स अभी हम लोग देख रहे हैं वो एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा हो जाएगा, since we have implemented it, experimented it, and we have seen the result as well, तो ये एक हिस्सा हो जाएगा, but obviously जो pattern रहा है, जैसे आपने दो तीन incident दिए कि जब printing आया तो लगा कि खतरा है ये education system के लिए, या फिर जो गुरुओं की knowledge के लिए खतरा भी, कि जो record होके सबके हाथ में चला जाएगा, फिर computers आए, अब e-learning की बात हम लोग कर रहे हैं कि e-learning आने से जो जो traditional learning है उस पर खतरा दिख रहा है। So, आपकी जो असेसमेंट है वो ये है कि ये चीजें रहेंगी, बट यस, वो फिर से उसी में समाहित हो जाएंगी, या फिर वो भी यूं कहें कि उसका नॉर्मल का हिस्सा हो जाएंगे? यहाँ ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बनेंगे, ये उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये उसको सप्लीमेंट करेंगे, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स ने टीचर को सप्लीमेंट किया और स्टडीज को सप्लीमेंट किया, वैसे ही जो है वो ये जो मीडियम है इनका लोग इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन ये कि फॉर्मल वे में जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो अपना चलता रहेगा। देयर इज समथिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं एजुकेशन के बारे में जिसको कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या है यूनिवर्सिटियों का महत्व क्या है। अमरीका में कुछ लोग हैं, उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, उसको माइनरवा का एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उन्होंने पढ़ाई सारी अपनी ऑनलाइन करते हैं, लेकिन कैंपस है, कैंपस में हॉस्टल है, कैंटीन है,
जिम है, प्लेग्राउंड है, स्टूडेंट वहीं कैंपस में रहते हैं लेकिन क्लास नहीं होता है। उनका ये मानना है कि साहब यूनिवर्सिटी में लोग दो कारण से आते हैं, एक तो पढ़ने के लिए आते हैं, दूसरे खेलने कूदने सोशलाइजेशन के लिए आते हैं। तो सोशलाइजेशन वो घर पे मिस करते हैं, तो इस माइनरवा में हमने सोशलाइजेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, वो अवेलेबल है। टीचिंग लर्निंग जो है वो ऑनलाइन होगी, देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब होता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग सब वापस बैक टू नॉर्मल। देर इज समथिंग अबाउट हायर एजुकेशन दैट वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड। सर सो आपको लगता, आई मीन अब यू कहें कि दिस इज द न्यू एरा व्हिच विल स्टार्ट फ्रॉम हियर इज ब्लेंडेड लर्निंग। देखिए, लर्निंग अभी भी ब्लेंडेड है। भाई, हम सब लोगों को अपनी लाइफ में, हम आज जितना कुछ जानते हैं, अगर हम ये एनालिसिस करें कि उसमें से कितना हमको अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सिखाया गया था, जी तो मालूम जो होगा कि आज हम जितना जानते हैं उसका केवल 20% या 10% हमको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लाइफ में सिखाया गया था। जी लेकिन यूनिवर्सिटी की लाइफ ने हमारे अंदर एक ये विवेक पैदा कर दिया कि हम खुद से चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। और अभी भी जब हमको कुछ होता है तो वो हम जो है वो अलग अलग मीडियम से सीख लेते हैं। मसलन, हमने जब पढ़ा था और मास्टर्स लेवल तक हमने किया, बल्कि पीएचडी लेवल तक, तो उस ज़माने में कंप्यूटर्स नहीं थे और कंप्यूटर एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं था। मुझे याद है कि मुझे अपनी थीसिस के सिलसिले में कुछ रिग्रेशन एनालिसिस रन करनी पड़ी थी, तो मुझे कुछ स्पेशलाइज्ड लोगों की मदद लेनी पड़ी थी। जी लेकिन आज मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ। बहुत सारे स्टैटिस्टिकल पैकेजेस और बहुत सारे डेटा एनालिसिस और बहुत सारी लैंग्वेजेस को यूज़ करने के लिए, ये सब मैंने कैसे सीखा? ये सब मैंने इसी कंप्यूटर पे जा करके, यूट्यूब पे जा करके हमने चीज़ों को सीखा। तो हम लोग कॉन्टिन्यूसली, हम में से जितने लोग हैं वो सब सीखते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली सीखते रहते हैं। तो अभी भी लर्निंग ब्लेंडेड है। लेकिन आजकल जो लोग बातचीत करते हैं कि सर वो ब्लेंडेड जो है वो फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट बन जाएगी, जिसका कुछ प्रयास भी किया जा रहा है अपने देश में कि सर 30% कोर्स जो है आप ऑनलाइन मूक्स वाला ले लीजिए और 70% कॉलेज वाला ले लीजिए। ये हम जबरदस्ती थोप रहे हैं। लोगों की चॉइस तो ये होनी चाहिए कि उनको छोड़ दीजिए कि वो किस मीडियम में वो और किस मोड से वो पढ़ना चाहते हैं। अगर लोगों को ये लगता है कि साहब ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, उनको आप वैसा करने दीजिए। लेकिन समहाउ मुझे लगता है कुछ ऐसी बात है कि लोग कुछ क्लासरूम की सिचुएशन में फेस टू फेस बैठ करके कुछ पढ़ना सीखना, उसका जो अपना एक योगदान है, उसको हम लोग अपने वर्ड्स में नहीं बयान कर पा रहे हैं, लेकिन वो है। और ये मैं नई जनरेशन और अपने विद्यार्थियों की जब बात करता हूँ तो उनसे सुनी हुई बात मैं करता हूँ। हालांकि अब जो लेक्चर मैं देता हूँ वो लेक्चर, उससे बहुत बढ़िया लेक्चर जो है वो यूट्यूब पर और बहुत सारे चैनल्स पर अवेलेबल हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हैं। लेकिन देर इज समथिंग विच दे अप्रिशिएट, विच दे वैल्यू व्हेन दे आर टॉकिंग फेस टू फेस। तो मुझे लगता है कि कुछ तो ब्लेंड होगा इसमें से, ये भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये रिप्लेसमेंट नहीं बनेगा फॉर्मल क्लासरूम टीचिंग का। जी तो आई एम श्योर सर। देखिए, जो क्लासरूम लर्निंग है ऑब्वियसली वो जो सोशलाइजेशन का हिस्सा मिलता है, मेरे ख्याल से शायद घर पे रह के नो डाउट जब तक एक्सपोजर नहीं मिलेगा, बाहर जाके नए लोगों से मिलना, दोस्ती करना, बिकॉज हायर एजुकेशन जैसे आपने बीच में बोला था बहुत कुछ है, केवल महज डिग्रियां लेना या फिर पढ़ना, वो जो सिलेबस है उसके अलावा देयर इज फार बियॉन्ड, उससे बहुत कुछ अलग है जो चीज हम लोग सीख के लेके आते हैं वहां पे। अब सर, हालांकि इस पूरे ही टॉक में आपने बहुत सारी चीजों को आंसर कर दिया है जो मेरा सवाल था आगे, कि मैं इनफैक्ट ये पूछने वाला था सर कि आपने जब आपका ये जो दौर रहा है अपना, इसमें भी कई बार कुछ ऐसे पैंडेमिक्स रहे होंगे जो पैंडेमिक यूं ना कहें बट वो उस तरह से रूप रहा होगा पैंडेमिक का, जिससे पहले कुछ बीमारियां ऐसी होती धड़ल्ले से होती थी, तो
यू नो एक टाइम पे प्लेग होता था, लेकिन प्लेग वाला तो मैंने दादी जी के जमाने में सुना था, वो जो बोला करती थी कि प्लेग आता था, बट कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस सर इस कोरोना से पहले जब आपने ऐसा नोटिस किया हो जिसमें कुछ चीजें हैम्पर हुई हो, स्पेशली एजुकेशन हैम्पर हुआ हो? भाई मुझे नहीं याद पड़ता कि इस लोकलाइज्ड कोई इवेंट हो गया हो कि कहीं पर कोई दंगा हो गया हो और कर्फ्यू लग गया हो और 10 दिन के लिए उस इलाके के स्कूल कॉलेज या उस ज़िले के स्कूल कॉलेज बंद हो गए हो, या कोई ऐसा जैसे कि वो मंडल कमीशन का दौर था या जयप्रकाश नारायण का जो मूवमेंट था, तो इस तरह के ज़माने में लोकल लेवल पर तो डिस्टर्बेंस हुए, लेकिन बिल्कुल ग्लोबल लेवल पर जिस तरह का डिस्टर्बेंस हम लोग देख रहे हैं, मेरा ख्याल ये 1918 के बाद पहली बार है, और शायद ही कोई एक आध आदमी बचा होगा अपने देश में जो कि 102 साल का बूढ़ा होगा, उसे कुछ याद होगा। तो ये एक बिल्कुल नई परिस्थिति है जिसका हम सामना कर रहे हैं, लेकिन ये परिस्थिति इस तरह से हम सामना नया कर रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों से विश्व जो है वो कई बार गुजरा है। तो अब वैसे तो हर धर्म में ये कहा गया है कि साहब प्रलय आएगी, कयामत आएगी, दुनिया एकदम ख़त्म हो जाएगी, हम इस पे विश्वास भी करते हैं कि ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हर प्रलय के ज़माने में लोगों को हर इस तरह के पैंडमिक्स के ज़माने में लोगों को लगता था कि अब ये आखिरी दिन आ गए हैं, अब ये प्रलय का ज़माना है, लेकिन अभी तक का इतिहास हमें ये बताता है कि हर इस तरह की पैंडमिक्स के बाद हम लोग और स्ट्रांग होकर के बाहर निकले हैं और डेवलपमेंट के साथ बाहर निकले हैं। लेकिन जितने दिन भी ये रहा है और इसका असर रहा है, उन दिनों बहुत सारे लोगों पर इसका बहुत ही विपरीत असर पड़ा है। बहुत सारे लोगों की रोजगार चली गई, छुट्टी चली गई, जीविका चली गई, लोगों की जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ के आदि थे उससे उनको नीचे उतरना पड़ा। तो हमारी कोशिश हम लोगों की ये होनी चाहिए कि भाई वो दिन नहीं आए, हम लोग कम से कम जिस क्वालिटी को मेंटेन करने के आदि हो गए हैं वो क्वालिटी बनी रहे। और इसके लिए मैं सब लोगों से कहूँगा कि साहब एहतियात करें, और एहतियात यही है, इलाज चूंकि अभी कोई है नहीं, अस्पतालों में भी जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक है और अस्पताल में जगह मिल जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, तो जो एहतियात कर सकते हैं कि आवश्यकता हो तभी बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, और मतलब ये कि सारी इसको लाइटली इसको न लें, ये मैं कहूँगा। दूसरे मैं इस मौके का फ़ायदा उठा करके जो हमारे जो नौजवान साथी और बच्चे हैं यहाँ पर, उनसे मैं कहूँगा कि इस समय का सदुपयोग करें। अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि डिजिटल डिवाइड है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि एक्सेस टेक्नोलॉजी की नहीं हो, डेटा की नहीं हो, बैंडविड्थ की नहीं हो, डिवाइस उनके पास नहीं हो। ये मैं मानता हूँ कि ये सही होगा, क्योंकि अभी भी हमारा पेनिट्रेशन बहुत हाई है, 50-60 करोड़ लोगों तक तो पहुँच गया है, लेकिन अभी भी 130 करोड़ से दूर हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि किसी न किसी हद तक अधिकांशतः वो लोग जो कि इस समय हायर एजुकेशन में हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, 4G नहीं है तो 3G है, 3G नहीं है तो 2G है, कंप्यूटर्स और लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल कनेक्टिविटी है, तो वो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जिन क्लासेस को पढ़ा रहा था, तो शुरू में जब ऑनलाइन शुरू किया तो सब ने ये कहा कि साहब डिजिटल डिवाइस है, लोग गांव चले गए हैं, वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि हम जो जिन बच्चों को पढ़ा रहे थे, तकरीबन 140 बच्चों के 2 बैचेस थे, और फाइनली हर बच्चे ने अपना असाइनमेंट जमा किया, हर बच्चा जो है वो ऑनलाइन जुड़ा रहा। ऐसे ही जो दूसरा एक्सपीरियंस है कि वो जो टीचर्स के इंटरव्यू थे, तो हम लोगों ने 44 कैंडिडेट के इंटरव्यू किए, उसमें से एक कैंडिडेट के साथ दिक्कत ये आई कि उसको उसके घर के अंदर कनेक्टिविटी नहीं मिल रही थी, तो घर के बाहर निकल करके उसे बातचीत करनी पड़ी, बाकी सारे के सारे लोगों को कनेक्टिविटी थी। तो
मेरा अनुरोध लोगों से ये होगा कि जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके और इस समय का प्रयोग और उपयोग करके आप अपने को जितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो करें। देखिए, कॉलेज में जब आप पढ़ते थे तो उसका एक उद्देश्य ये होता था कि इसको पढ़ेंगे, इम्तिहान देंगे, इम्तिहान देने के बाद हमें एक कागज़ का टुकड़ा मिल जाएगा जिसको कि मार्कशीट और डिग्री कहते हैं, और डिग्री के सहारे हमको नौकरी, रोजगार और बाकी सारी चीज़ें मिलती। लेकिन एक तरफ जिधर ज़माना बढ़ रहा है कि डिग्री और कागज़ का वो पन्ना जो कह रहा है, और आपका अपना जो बिहेवियर और आपके अपने दिमाग में जो है और जो लोगों को दिख रहा है कि मैं अगर किसी से कहूं कि मैंने बीए किया है, एमए किया है, पीएचडी किया है, और कोई कहे कि भाई तुम अपना नाम लिख करके सही दिखला दो और मैं अपना सही नाम नहीं लिख पा रहा हूं या जो ज्ञान मुझे होना चाहिए वो नहीं है, तो फिर वो सारी डिग्री वगैरह बेकार हो जाती है। तो इस समय का और इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा करके आप लोग कोशिश ये करें कि अपने ज्ञान को और अपनी स्किल को जितना बढ़ा सकते हो वो बढ़ाएं। ये एक अवसर है इस समय। एक तरफ तो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा डिस्ट्रेस आप लोग ज़रूर हैं, लेकिन बहुत सारे दूसरे डिस्ट्रैक्शंस कम हैं, तो बजाय इसके कि टेलीविज़न के सामने दिन भर बैठे रहें या कुछ सोचते रहें और सोच सोच के उदास होते रहें, उसके बजाय इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, ये सिर्फ अपने ज्ञानवर्धन के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने को जो अच्छा लगता हो उसको करने के लिए आप इसको सीखें और इस मौके का फ़ायदा आप लोग उठाएं, ये बहुत आवश्यक है। वरना हमारे चारों तरफ जितनी नेगेटिविटी है, रोज़ हम ये खबर पढ़ रहे हैं कि आज मरने का आंकड़ा इतना पहुंच गया, आज बीमार पड़ने वालों का आंकड़ा इतना पहुंच गया, 20 दिन में केस डबल हो रहे हैं, 10 दिन में केस डबल हो रहे हैं, ये सब सुन करके और आसपास भी कुछ होता होगा जिसको देख करके जो है मन व्यथित होता होगा, तो उससे निगेटिविटी आएगी, उससे सब आपके जहन पर बुरा असर पड़ेगा। तो उन सब से निकलने का सीधा रास्ता ये है कि कोई नई चीज़ सीखने का तरीका सोच ले। मसलन मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें से जो लोग होंगे कि हमने बहुत पहले जो है वो रिसर्च मेथड्स पढ़ाने के लिए जो है वो स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंटिस्ट SPSS सीख लिया था। मुझे लगता था कि वो बहुत कुछ हो गया, लेकिन अब मालूम हुआ कि दुनिया जो है वो बहुत आगे बढ़ गई है। अब SPSS सफिशिएंट नहीं है, अब तो आपको आर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, अब आपको तो पाइथन आना चाहिए, आपको जूलिया आना चाहिए। मैंने इस मौके का फ़ायदा उठा करके इन चीज़ों को सीखना शुरू किया और सीख लिया, इतना सीखा कि अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकें। और हमारे 2-3 स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट किए जिसमें उन्होंने इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके अपनी डेटा एनालिसिस की। तो अगर हमारी नॉलेज परफेक्ट नहीं भी हुई तो कम से कम इतनी हो गई कि हमने अपने कुछ स्टूडेंट को मोटिवेट किया और बिकॉज ऑफ एज एडवांटेज उस पर चल गए। तो मेरा ख्याल इन विद्यार्थियों को इस लाइन पर सोचना चाहिए। सर, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो इनफैक्ट स्टूडेंट से मैं पूछना चाहता हूँ कि ऑनलाइन लर्निंग में सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को क्या लग रही है? इज इट एंगेजिंग? इनफैक्ट एंगेजमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कुछ आया था, कोई कमेंट मैंने देखा था कि मतलब जो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा ऑनलाइन पढ़ना कितना आसान है। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो हमारे जो फैकल्टीज हैं आज की डेट में, आर दे यू नो कॉम्पिटेंट इनफ टू क्रिएट एंगेजमेंट ओवर दिस डिजिटल लर्निंग? अगर बात कर ले यहाँ पे यू नो मतलब ऑनलाइन लर्निंग की ट्रेनिंग टीचिंग की बात कर ले, बिकॉज मैंने जो मेरा अपना अनुभव रहा है कि सर कुछ लोग जो क्लासरूम में बहुत अच्छे होते हैं, जरूरी नहीं कि डिजिटली भी उतने ही एंगेजमेंट क्रिएट कर पाए, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली अ न्यू स्किल्स टुडे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने जब पहली बार इस पूरे वाकये के बाद एक वेबिनार में मैं बोल रहा था, तो अब मुझे जैसे कि अभी भी है कि इतने सारे ऑडियंस जुड़े हुए हैं लेकिन ऑडियंस की शक्ल दिखाई नहीं दे रही है, तो ये लगा कि साहब टीचर को एक्टर भी होना चाहिए, क्योंकि कैमरे के सामने आप एक्टिंग करते हैं तो हम टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो कैमरे के सामने एक्टिंग करने की तो नहीं होती है। तो जब हम जो है वो अपने लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो हम वो बिल्कुल वो नेचुरल नहीं होते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं उसमें कोई झिझक होती है। तो इस तरह से एक वो है।
लेकिन मैं बताऊं आपको, जैसे कि इसी जामिया में हमने जो है जब हमने पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद मैंने एक आइडिया फ्लोट किया कि भाई किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम अपने सारे टीचर्स को थोड़ा सा सेंसिटाइज करें, और न सिर्फ ये कि सेंसिटाइज करें, उनको अवेयर करें, और बल्कि उनसे जो है कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखी भी जाए, क्योंकि अलग अलग लोग सीख रहे हैं। तो हमने कुछ ऐसे ही लोगों से बातचीत करनी शुरू की, तो मालूम हुआ कोई जो है वो सिस्को वेबकास्ट यूज़ कर रहा है, कोई यूट्यूब पे लेक्चर भेज रहा है, कोई व्हाट्सएप पे भेज रहा है, कोई जो है वो गूगल क्लासरूम यूज़ कर रहा है। तो सभी कुछ ना कुछ कर रहे थे, कुछ अपने लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज रहे थे, कुछ जो है वो यूट्यूब वगैरह पे लेक्चर सर्च करके दूसरे ओपन सोर्सेज के लेक्चर्स को जो है वो लोगों को बता रहे थे। तो हमने चार जो है वो टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, गूगल क्लासरूम और गूगल मीट को यूज़ करते हुए लेक्चर देना और मटेरियल भेजना, असाइनमेंट भेजना और असाइनमेंट जमा करना, उसको इवेलुएट करना, स्टूडेंट को फीडबैक देना। और इसमें चार प्रोग्राम हमने किए, हर प्रोग्राम दो दो दिन का था। इसमें तीन लोगों को हमने जोड़ा था, मतलब यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन को जोड़ा और सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जोड़ा, एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर के उसको जोड़ा, वाइस चांसलर भी जुड़ी रही मुस्तकिल। तो तकरीबन 800 टीचर को ट्रेन किया और सबने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। तो मुझे कहीं से उसमें रेजिस्टेंस नहीं दिखा कि लोग सीखना नहीं चाहते हैं। ये बात ज़रूर आई कि हमारे यहाँ जो बहुत सारे बच्चे जो गाँव से आते हैं, क्योंकि जामिया पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो इसमें सभी अमीर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो दूर दूर से आए हुए बच्चे पढ़ते हैं, गाँव से आए हुए और कश्मीर के भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं जहाँ पर सिर्फ 2G कनेक्टिविटी है। तो लोगों का ये था कि साहब उन बच्चों का क्या होगा। तो हमने उस पर शुरुआत ये की कि अच्छा आप शुरुआत कीजिए और वैसे एक असेसमेंट कीजिए कि कितने बच्चों को ये है। मान लीजिए कि वो अगर मेजॉरिटी उनकी है तब तो ठीक है, पहले वो मसला हल करें। मालूम ये हुआ कि नहीं, वो उस तरह के केसेस के जिनको के एक्सेस की प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, वो कोई 3% 4% निकले। तो ये हुआ कि भाई, तो भाई 96% का मसला हल कर लिया जाए, इनके लिए कोई और सलूशन ढूंढ लिया जाएगा, तो पॉजिटिव सोचिए। तो लोग आ गए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों ने यूनिवर्सिटी में अक्रॉस डिपार्टमेंट इन मीडियम्स का इस्तेमाल करके अपने क्लासेस लिए, स्टूडेंट को इंगेज किया, असाइनमेंट उनको भेजे, असाइनमेंट लिए। तो ये रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि ये जो है एक इंटरिम टाइम गैप अरेंजमेंट है, इस तरह से जब तक के हालात सामान्य नहीं होंगे। जैसे ही हालात सामान्य होंगे, स्टूडेंट भी दौड़ करके आना चाहेंगे और टीचर भी दौड़ करके अपने उसमें जाना चाहेंगे। बल्कि मुझे लगता है कि चूंकि पिछले 2-3 महीनों से सारे टीचर इतने तरसे हुए हैं कि अपने विद्यार्थियों से नहीं पाए, वो ज्यादा पाबंदी के साथ क्लास लेंगे। So यू कहें कि अब आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई, चाहे स्टूडेंट की बात करें या फैकल्टी की बात करें। आई कैन सी द लॉट ऑफ कमेंट्स कमिंग इन सर, कि बहुत बोरियत होती है कैमरे में देखना और यू नो इंटरेक्ट करना और स्क्रीन पे देखना, हेडक भी होता है, आंखें दुख जाती हैं, कई बार अटेंडेंस लगा के निकल लेते हैं। नहीं, अभी भी देखिए, जैसे कि अब आपसे ये 1-to-1 बात हो रही है, अगर मुझसे ही अभी ये कहा जाए कि साहब आप इसी थीम पे जो कुछ मैंने बोला है, यही एक लेक्चर की शक्ल में मैं 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा बोल दूं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि वो जो एक होता है कि क्लास में हमें कॉन्टिन्यूस टीचर को कॉन्टिन्यूस स्टूडेंट से फीडबैक मिलता रहता है। Right. हम प्लान करके जाते हैं कि हमें ये टॉपिक कवर करना है, हमें इस तरह से कवर करना है, लेकिन हम उसी स्क्रिप्ट पे अडेयर नहीं करते हैं। हम जब जाते हैं बताना शुरू करते हैं तो उसमें कुछ स्टूडेंट की शक्ल देख के लगता है कि साहब वो ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम उसी में थोड़ी सी गहराई में जाना शुरू कर देते हैं। बाज़ दफ़ा लोगों को लगता है कि अच्छा यार इनका मन उचाट हो रहा है, शायद इसमें अब दिल नहीं लग रहा। ये फीडबैक उनके हाव भाव उनकी आँखों से पता लगना शुरू हो जाता है। तो टीचर जो है वो एक तरह से मैं ये कहूँ कि पब्लिक स्पीकर नहीं होता। देखिए, हम लोगों की ट्रेनिंग टीचर की वो नेताओं वाली नहीं है कि बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है और उस पंडाल में लाखों लोग बैठे हुए हैं और टीचर का जो दिल में आ रहा है वो कह रहा है, ऐसा शादो नादिर होता है। मतलब मेरे साथ ये होता है कि मेरे लेक्चर को जब तक कि वो एक आई कॉन्टैक्ट नहीं हो,
तब तक वो लेक्चर मैं दे ही नहीं पाता, मैं बोल ही नहीं पाता. तो अगर यहीं पर आप हट जाए सीन से और मुझे ये मालूम हो कि भाई ये 150 लोग हैं लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो वो लेक्चर जो है, तो जब इस तरह का लेक्चर होगा तो फिर बड़ा मोनोटोनस सा हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. देखिए सीक्रेट्स निकल के आ रहे हैं. पूर्णिमा पोपली इज मेंशनिंग कि एंड सम स्टूडेंट्स प्ले पबजी एंड वॉच नेटफ्लिक्स विद जस्ट रेडियो यू नो ऑडियो ऑफ. हाँ तो ये भी होता है. तो मतलब ये कि अब वो मतलब देयर इज समथिंग व्हिच इज देयर इन द फेस टू फेस पर्सनल कॉन्टैक्ट वे ऑफ लर्निंग एंड डूइंग थिंग्स जो हम लोग समझ नहीं पा रहे. हमें लगता ये है कि शायद सिर्फ नॉलेज गेन करना है, स्किल गेन करना है, कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगी तो सिमुलेशन कर लें और वर्चुअल लैब कर लें और नॉलेज गेन कर लें. लेकिन ये कि एजुकेशन जो है, देखिए मैं ये कहता हूँ कि किसी आदमी के पास डिग्री नहीं है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो अनएजुकेटेड है. डिग्री न होने के बावजूद भी उसकी अपनी एक शिक्षा हो रही है. समाज, जिस समाज में आप रह रहे हैं वो समाज उसको जो है बहुत कुछ सिखा रहा है. अगर टीचर नहीं सिखा रहा है तो समाज का कोई दूसरा हिस्सा सिखा रहा है. भाई आप ये देखिए कि बच्चे जब ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को गाली देना नहीं सिखाता. ये नहीं सिखाता कि अभद्र शब्द का प्रयोग कैसे किया जाए. लेकिन हम सब लोगों का तजुर्बा यह है कि बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो वो कुछ ना कुछ इस तरह के अपशब्द सीख जाते हैं जो बाद में हमको ये सिखाना पड़ता है कि ये गलत शब्द तुमने सीखा है. इसका मतलब कोई ना कोई उन्हें सिखा रहा है, तो वो सीखते रहते हैं. मतलब बहुत सारे तरीकों से इंसान सीखता रहता है. एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन जो है वो एक मीडियम है और उस मीडियम का अपना एक महत्व है. बेहतरीन सर. और इनफैक्ट किसी का मैसेज भी आया था कि पता नहीं चलता सर कि एक घंटा कब हो गया, 6:30 तक इसको करके रखिए, लेकिन समय की बात इतना है दोनों साइड से. मैं अब सर आपका लिंक्डइन लिंक भी शेयर कर रहा हूँ बाकी फ्रेंड मतलब यहाँ पे लोगों के साथ ही. अच्छा. सर एक्टिव रहते हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सर को तो आप लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं सर से. एंड एनी क्वेश्चन गाइस दैट यू वांट टू आस्क, अपने पास 2 मिनट और है और अगर आप क्विकली कुछ शेयर कर सकते हैं इसके लिए. एक चीज समझ में आ रही है कि चाहे ये हम इसको एक फन की तरह लें डिजिटल लर्निंग को या फिर किसी भी तरीके से आप ले लीजिए. नेटफ्लिक्स आप देख सकते हैं, आप पबजी खेल सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट में करियर जब आपके साथ पबजी और नेटफ्लिक्स खेलना शुरू करेगी तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी था और आज भी इंपॉर्टेंट है कि जो लोग काबिल लोग हैं उनके लिए कभी नौकरियों की कमी नहीं रही, उनके लिए कभी यू नो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं रही. आपने अभी सर अगर सर की स्टोरी की बात कर लें तो बिल्कुल गांव से निकल के और यू नो तख्तियों से निकल के इतने बड़े बड़े पदों पे रहना और हायर एजुकेशन के एक पिलर के रूप में जाने जाना, इट मीन्स कि अगर आप एफर्ट करते हैं तो संभावनाएं असीमित हैं आपके लिए. इट्स ऑल अबाउट दैट हाउ एफर्ट यू आर मेकिंग और किस तरीके से आप करने की कोशिश कर रहे हैं. सर आखिरी में इनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं अभी? मैं अपने मैसेज को ही दोहराना चाहूंगा कि इस समय को समय मुश्किल है, कठिन है, परिस्थितियां बहुत कठिन है. आप सब लोग अलग अलग परिस्थितियों में पता नहीं किस तरीके से अपना जीवन इस समय गुजार रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद इस चैलेंज को आप अपने फेवर में अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे कन्वर्ट करें और इस समय का सदुपयोग आप अपने टैलेंट्स को, अपनी स्किल को, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप जितना इस्तेमाल कर सकते हो वो करें. वो आपको एक मानसिक शक्ति भी देगा और आगे भी आपके लिए मदद करेगा. मेरा ख्याल ये मैसेज है मेरा सारे विद्यार्थियों के लिए. बहुत अच्छा लगा जी आपसे बातचीत करके. थैंक यू सो मच सर. इनफैक्ट गोइंग बैक टू यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट स्कूल वाला सिस्टम से शुरू करना, डेवरी और लालटेन और लैंप की बात करना, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इस मंच में यहां से कभी बात करी थी 28 मार्च से लेकर अभी तक. एंड इट इज मैं हमेशा बोलता हूं सर कि वो आपका जो हम्बलनेस है, बड़े लोग बड़े क्यों होते हैं, यहां से निकल के आता है, पता चलता है कि इतने आगे जाने के बावजूद भी जिस तरीके से आप हम्बल और ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट एंड ऑल जो रहता है आपका जो नेचर है अपने आप बहुत
अलग है सर, और इंस्पिरेशन देता है हम सभी को इस तरीके से बने रहने के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. एंड थैंक यू फॉर सो अमेजिंग यू नो इनसाइट एंड टॉक. मेरे ख्याल से ये जो बातें आपने करी हैं बातों बातों में ऑलमोस्ट सारे मैसेज पे, मुझे याद है कि मैंने कई सारे सवाल जो प्रिपेयर किए हुए थे आपकी उसी टॉक में से निकल के उसके आंसर आ गए, तो मुझे जरूरत भी नहीं पड़ा उसके बारे में बात करने के लिए. शायद अनुभव इसी का नाम है. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग हियर. कल दोबारा से मुलाकात होगी 5 बजे, एक बार फिर से मुलाकात करेंगे और एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एजुकेशनल लीडर के साथ. सी यू टुमारो, कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखें.